हमारे बॉडी की सबसे खास बात यह है कि हमारे बॉडी में जब भी कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो बड़ी बीमारी होने से पहले हमारा शरीर छोटे संकेत देकर अपने अंदर हो रहे हलचल के बारे में कई तरह से बताने का कोशिश करता है और जिसे ज्यादातर लोग साधारण समझकर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जानेंगे जिसके मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि आपके बॉडी में कौन सी बीमारी होने वाली है। तो कुछ भी हो जाए, एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको निरोग और स्वस्थ रखने में बहुत मदद करने वाली है। नंबर वन, थकान। अगर आपको सुबह उठते ही थकान महसूस होता है या दिन खत्म होते होते आप बहुत ज्यादा थक जाते हो और ये आपके साथ कई दिनों से हो रहा है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपके बॉडी का शुगर लेवल बढ़ चुका है। क्योंकि जब आपके बॉडी का शुगर लेवल बढ़ता है तो आपका बॉडी आपके बॉडी के एनर्जी को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाता, साथ ही बॉडी सेल्स ठीक तरीके से एटीपी एनर्जी बना नहीं पाता है और जिसकी वजह से आप हर वक्त थकावट महसूस करते हो, हर समय लेजी लगता है। ऐसे स्थिति में आपके लिए सही यही होगा कि जितना हो सके आप मीठा से दूर रहें और अगर आपको मीठा खाना भी है तो आप शहद का इस्तेमाल करें और नहीं तो यही चीज अगर लंबे समय तक चलती है तो आपको शुगर भी हो सकती है। नंबर टू, ब्रश करते वक्त या फिर कोई भी सख्त चीज खाते वक्त मसूड़ों से खून आना, जोड़े में दर्द और स्किन रूखा पड़ जाना, ये संकेत ये करती है कि आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है। क्योंकि विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ ये हमारे बॉडी में कोलेजन को प्रोड्यूस करता है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारे स्किन के नीचे और हमारे हड्डियों के बीच सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसी प्रोटीन की वजह से हम लोग लंबे समय तक यंग रहते हैं और हमारी हड्डियां ठीक तरीके से काम करती है। इसके साथ साथ विटामिन सी के मदद से ही हमारा बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब करता है और जब आपके बॉडी में विटामिन सी की ही कमी होने लगती है तो बॉडी आयरन को बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाती है और जिसकी वजह से आपका खून पतला होने लगता है। इसके साथ साथ गठिया जैसी समस्या भी होने लगती है। तो विटामिन ई के कमी को पूरा करने के लिए आंवला, नींबू, संतरा और अमरूद जैसे चीजों को आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। नंबर थ्री, स्किन का पीला पड़ जाना, हर वक्त थकान, कमजोरी, सरदर्द और सर भारी भारी लगना, इसके साथ नाखून और होंठों का रंग फीका पड़ जाना शरीर में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी को दर्शाती है। और क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है क्योंकि इसी के मदद से आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और अगर लंबे समय तक आपकी बॉडी में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी रहती है तो आपको एनीमिया जैसे रोग भी हो सकती है। तो आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी को अपने बॉडी में पूरा करने के लिए पालक, अंडे, बीन और बीट रूट को अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। नंबर फोर, कमजोर दांत, कमजोर नाखून और हड्डियों में दर्द होना आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। और अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है ना तो आप अगर कहीं पे गलती से गिर भी जाते हो तो तुरंत आपकी हड्डियां टूट जाएगी। इसके अलावा अगर आप कहीं पे लंबे समय तक बैठे रहते हो या फिर किसी भारी सामान को उठाते हो तो आपके हड्डियों में दर्द होगी और साथ ही गठिया जैसी समस्या भी आपको होगी। और कैल्शियम की कमी को आप अपने बॉडी में मेंटेन करने के लिए दूध, दही, लस्सी, पनीर, ब्रोकली और पालक जैसे चीजों को अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। नंबर फाइव, बार बार जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, जोड़े में दर्द, सिर में दर्द, डिप्रेशन और शरीर में दर्द होना आपके बॉडी में विटामिन डी के कमी को दर्शाती है। और यहाँ तक जब तक आपके बॉडी को विटामिन डी नहीं मिलेगी ना तो आपकी हड्डियाँ कैल्शियम को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी हड्डियाँ कमजोर रहेगी और आप बहुत जल्दी लेजी हो जाओगे। के साथ साथ विटामिन डी आपके ब्रेन को भी शार्प करने में मदद करता है और जब विटामिन डी की कमी होती है तो आपका दिमाग हर वक्त चिड़चिड़ापन से भरा रहता है। और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे आसान तरीका है और जो कि बिल्कुल फ्री है और वो है सुबह के धूप में ज्यादा नहीं 15 से 20 मिनट आप समय बिताइए। नंबर सिक्स, बार बार पेशाब आना। देखिए, अगर आपके साथ कभी कदार ऐसा हुआ है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये भी आपके बॉडी के शुगर लेवल को बढ़ा हुआ दर्शाती है। क्योंकि जब आपके बॉडी का शुगर लेवल बढ़ता है तो आपका किडनी लिक्विड को बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाता है और जिसकी वजह से आपके बॉडी का लिक्विड डायरेक्टली बाहर निकलती है और इसके वजह से आपको बार बार पेशाब आने लगता है। तो देखिए, अगर आपके साथ बहुत लंबे समय से ऐसा हो रहा है तो एक बार आप डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि अभी नहीं लेकिन बाद में आपको शुगर जरूर होने वाला है। नंबर सेवन, साफ दिखाई ना देना, होठों में अल्सर, मुंह के कोने में दाना होना और एक ही जगह पे पिंपल बार बार होना,
आपके बॉडी में विटामिन बी के कमी को दर्शाती है। नंबर 8, कहीं कट जाने पे लंबे समय तक खून ना रुकना, एक ही जगह पे बड़े बड़े पिंपल होना, एक्जिमा या फिर किसी भी प्रकार का स्किन प्रॉब्लम जल्दी ठीक ना होना, दाद खाद खुजली हमेशा होते रहना आपके बॉडी में जिंक के कमी को दर्शाती है। और अगर आपके बॉडी में जिंक लंबे समय तक कम रहती है तो आपके लिए वजन बढ़ाना और वजन घटाना दोनों ही मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको कई तरह की गंभीर बीमारियां होने का खतरा बना रहेगा। और आप जिंक के कमी को पूरा करने के लिए दूध, दही, चिकन और अंडा जैसे चीजों को अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे लक्षण थे जिसके मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि आपके बॉडी में किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है और आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। ये कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आने वाली वीडियोस को आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।